नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई, मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो, बस यही इनकी मंशा रह गई है। क्योंकि इनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अगर ये अल्फाज जो इन्होंने कहा 15 सेकंड पुलिस हटा दो, ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। मगर अब क्यों सब खामोश बैठे? तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी और इलेक्शन कमिश्नर भी इस तरह के घटिया बयानबाजी का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।